हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के 2.1 चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य मानों को याद कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर वाई मान लेते हैं, तो अर्थात -1/2 बराबर साइन वाई। ठीक, यहाँ पे साइन नोट यानी कि 1/sin y है, तो सर यह गुणे में हो गया तो साइन वाई हो गया, साइन वाई बराबर -1/2। तो सबसे पहले अब इसमें मान को देखते हैं, तो साइन ये 1/2 साइन 30° का मान है। अब 30° को रेडियन बदलना पड़ेगा, तो 30° को रेडियन बदलना है 30π/180 अर्थात π/6। तो ये आएगा साइन -π/6 बराबर साइन वाई, अर्थात वाई बराबर -π/6। को एक बार फिर याद दिला दें, कॉस सेक और कॉट में अगर ये एंगल माइनस में होता तो हम इसको पाई से माइनस कर देते हैं, कॉस सेक और कॉट में। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर वाई, अर्थात √3/2 बराबर कॉस वाई। तो कॉस वाई √3/2, कॉस √3/2 किसमें है 30° में, 30° में 30π/180 यानी π/6। तो यानी कि आएगा कॉस π/6 बराबर कॉस वाई, अर्थात वाई बराबर π/6। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 बराबर वाई मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2 बराबर कोसेक वाई। तो कोसेक में दो मान है 30° का, 30° का मान है यानी कि फिर 30π/180 यानी कि फिर π/6 यानी कि कोशिक π/6 बराबर कोशिक वाई, अर्थात वाई बराबर π/6। फिर इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन करते हैं टैन इनवर्स -√3। जैसे इसको करना है, सबसे पहले टैन इनवर्स -√3 बराबर वाई मान लेते हैं, अर्थात -√3 बराबर टैन वाई। तो टैन में √3 किसका मान है 60° का, यानी कि 60π/180 अर्थात 60 यानी π/3। तो ये हो गया 10π/3। ये हो गया 10 -π/3 बराबर 10y, अर्थात y बराबर -π/3। अर्थात यहीं पे अगर 10 की जगह से cos या cot होता तो हम पाई से इसको माइनस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर है कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 बराबर वाई, अर्थात -1/2 बराबर कॉस वाई, अर्थात अब हम 1/2 कॉस में 1/2 किसका मान है 45° का, 1/2 है 60° का मान, तो 60° का मान है तो 60π/180 अर्थात π/3। तो π/3 है कॉस π/3 -π/3 बराबर कॉस वाई। यही चीज़ आपको बता रहे थे कि अगर कॉस सेक और कॉट होगा तो उसमें को उसके एंगल को हम पाई से माइनस कर देंगे, तो मतलब π - π/3 बराबर 2π/3, इसका आंसर ये होगा। छठा क्वेश्चन है टैन इनवर्स -1। तो टैन इनवर्स -1, टैन इनवर्स -1 बराबर वाई मान लेते हैं, उसके बाद -1 बराबर टैन वाई। तो टैन में 1 किसका मान है, टैन में 1 मान है 45° का, 45° का यानी कि 45π/180 यानी कि 45 × 84 यानी π/4। तो अर्थात टैन -π/4 बराबर टैन वाई, अर्थात तो y बराबर -π/4।
तो सातवां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3। तो इसमें देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, sec इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3 बराबर y अर्थात 2 बाय अंडर रूट 3 बराबर sec y। ठीक, अब sec y यानी कि sec में 2 बाय अंडर रूट 3 के समान है 30 अंश, 30 अंश यानी कि 30 पाई बाय 180 यानी पाई बाय 6 का मान है। तो अर्थात sec पाई बाय 6 बराबर sec y अर्थात y बराबर पाई बाय 6। अब आठवां क्वेश्चन है cot इनवर्स अंडर रूट 3। तो cot इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर y। ठीक, 5 अंडर रूट 3 बराबर cot y। तो cot में अंडर रूट 3 किसका मान है 30 अंश का यानी कि 30 पाई बाय 6 पाई बाय 180 में पाई बाय 6। तो cot पाई बाय 6 बराबर cot y अर्थात y बराबर पाई बाय 6। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवा क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए फिर से मान लेंगे cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 बराबर y अर्थात माइनस 1 बाय रूट 2 बराबर y cos y। ठीक, फिर इसी में देखते हैं 1 बाय रूट 2 किसका मान होता है 45 अंश, 45 अंश यानी 45 बटे 180 यानी कि पाई बाय 4, पाई बाय 4 अंश का यानी कि cos पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 बराबर cos y। अब हमने आपको बताया था कि अगर SCC यानी कि sec cos cot होगा तो उसके एंगल को हम अगर वो माइनस में है तो उसको हम माइनस पाई से माइनस कर देते हैं। तो इसी हिसाब से y बराबर पाई माइनस पाई बाई 4 अर्थात 3 पाई बाई 4। दसवां क्वेश्चन है cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो फिर जब इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर y अर्थात y बराबर cosec y अर्थात माइनस अंडर रूट 2 बराबर cosec y माइनस अंडर रूट 2 बराबर cosec y। अब cosec में अंडर रूट 2 किसका मान है 45 अंश का, तो 45 अंश का मान है यानी कि 45 अंश यानी पाई बाई 4। तो यानी कि cosec माइनस पाई बाई 4 बराबर cosec y अर्थात y बराबर माइनस पाई बाई 4। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2। अब इसमें इस तरीके से कैसे करना है, तो इस तरीके से आसान हो जाता है tan इनवर्स। अब 1 इसमें किस में है, 1 की वैल्यू है यानी कि 45 अंश यानी कि पाई बाई 4 की, तो सीधी सी बात है tan पाई बाई 4 लिख देंगे यहाँ पे। फिर प्लस cos इनवर्स, अब क्योंकि यस सी सी यानी कि sec cos और cot अगर ये एंगल्स आ रहे हैं तो माइनस में आ रहे हैं तो उसको हम पाई से माइनस करते हैं, तो पाई से माइनस कर देंगे cos पाई माइनस, अब से 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है cos में 30 अंश की, 30 अंश यानी पाई बाई 6 तो अर्थात पाई बाई 6। फिर प्लस अब ये एंगल माइनस हो जाएगा sin इनवर्स sin, अब 1 बाई 2 किसका मान होता है 30 अंश का यानी कि पाई बाई 6 का। तो अब है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्योंकि tan में जो tan की 1 वैल्यू होती है वो पाई बाई 4 पे होती है। फिर cos इनवर्स cos, अब इस cos से पाई से एंगल माइनस करेंगे क्योंकि ये कॉस है यानी कि कॉस से कॉट में हम जब भी ये एंगल माइनस में रहेगा तो हम उसको पाई से माइनस करेंगे, तो पाई से माइनस करेंगे तो 1 बाई 2 कॉस में होता है पाई बाई 3 का मान, तो पाई बाई 3। फिर ये जो एंगल होता है माइनस, तो इसका माइनस बाहर आ जाता है। फिर साइन इनवर्स साइन, अब ये एंगल है 1 बाई 2 यानी कि पाई बाई 6। ठीक, तो इस चीज़ से कट जाता है लेकिन इसको काटते हुए दिखाते नहीं है, बस माना जाता है कि कट जाता है। फिर पाई बाई 4 आएगा प्लस 3 उनजा 3 3 माइनस 3 पाई
माइनस पाई बाई थ्री, फिर माइनस पाई बाई सिक्स, अर्थात अब हमारे पास है पाई बाई फोर प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स। अब हम लोग इन सब के हद को बराबर कर देते हैं, तो अगर इसमें हम थ्री का गुणा कर दें, चार तय बारह, फिर तीन चौक बारह, ऊपर नीचे चार का गुणा कर दें, फिर इसमें दो का गुणा कर दें, तो अर्थात थ्री पाई बाई फोर प्लस एट पाई बाई थ्री पाई बाई ट्वेल्व प्लस एट पाई बाई ट्वेल्व माइनस टू पाई बाई ट्वेल्व, अर्थात इलेवन माइनस टू यानी कि नाइन पाई बाई ट्वेल्व थ्री पाई बाई फोर, अर्थात इसका आंसर आएगा थ्री पाई बाई फोर, ये आपका आंसर है। तो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू टू वन बाई, तो कॉस इनवर्स यानी कि कॉस इनवर्स कॉस वन बाई टू वैल्यू होती है, कॉस कॉस की वन बाई टू वैल्यू होती है पाई बाई थ्री में, प्लस टू साइन इनवर्स साइन में होती है तीस अंश की यानी कि पाई बाई सिक्स की, तो इससे ये कट जाएगा यानी कि पाई बाई थ्री प्लस टू इंटू पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, अर्थात इसका आंसर आएगा टू पाई बाई थ्री, इट इज़ योर आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो अब भी इसके ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए आपको इस पूरी सारणी को याद करना पड़ेगा, सारणी को याद करना है तो इसमें साइन इनवर्स जो ये ब्रैकेट होता है यानी कि जो बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके लिए साइन यूज होता है ग्रेटर और इक्वल का, ठीक, और ये जो स्मॉल स्मॉल वाले होते हैं इसके लिए सिर्फ ग्रेटर का यूज होता है। तो ये जो है इसमें लिखा है साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो है जैसे इसमें लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बिग ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में अर्थात ये लिखा है पाई बाई टू इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो अंश इज ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई टू, ये जीरो नहीं यहाँ पे एक्स रहेगा सॉरी, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ये वाला सही है माइनस पाई बाई टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई बाई टू तक। फिर अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस एक इनवर्स माइनस टू, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स होता है रूट थ्री की वैल्यू, और सेक इनवर्स एस सी सी यानी कि सेक कॉट सेक यानी कि इस एंगल को पाई से माइनस करना पड़ेगा, और सेक में यह वैल्यू है पाई बाई थ्री यानी कि साठ अंश की, तो यानी कि पाई बाई सिक्स माइनस तीन एक का तीन, तीन में से एक गया दो, टू पाई बाई थ्री। अब तो ये हो गया थ्री पाई माइनस चौदूनी बारह पाई माइनस सत्रह अठारह यानी कि माइनस नौ पाई बटे अठारह, तो इस क्वेश्चन को करना है टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस एक इनवर्स माइनस टू, तो ये होता है टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री का मान यानी कि सिक्सटी एंस का मान अंडर रूट टू, इसमें भी सिक्सटी एंस लेकिन ये क्योंकि एंगल माइनस में है और यह सेक कॉस कॉट में से एक है यानी कि सेक है, तो इसको हम इस तरीके से माइनस करते हैं पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, तो यानी कि आएगा माइनस पाई बाई थ्री, इट इज़ योर आंसर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, इसका भी बी ऑप्शन सही है और इसका भी बी ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।